श्रीदेवी की मौत को लगभग 70 घंटे हो चुके हैं और उनकी मौत के बाद अब आखिरकार उनका शव भारत लाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन इसके साथ साथ कई सवाल भी वहां पर खड़े हुए हैं। एक अखबार के अनुसार श्रीदेवी के सर में चोट लगी हुई है, उनके सर में चोट लगी जिसके चलते अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसके साथ ही दुबई पुलिस ने बॉडी को यानी कि पार्थिव शरीर को भारत ले जाने के लिए क्लियरेंस लेटर भी दे दिया है। अब दुबई पुलिस ने हैंडओवर कर दिया है सीजीआई दुबई को, फैमिली मेंबर्स को लेटर भी दे दिया है, रिलीज भी कर दिया है और उनका मॉर्टल जो था वो अब भारत में लाया जाएगा। आपको बता दूं, श्रीदेवी की मृत्यु 3 दिन पहले होटल में बाथटब में डूबने से हुई थी। उनके सर पर चोट के निशान थे, बॉडी पर भी चोट के निशान थे। ये निशान किस वजह से आए, कैसे आए, इनकी डिटेल्ड पूरी की पूरी कॉपी अभी तक नहीं प्रोवाइड करवाई गई है। लेकिन उम्मीद ये है कि उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो जाएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। फिलहाल श्रीदेवी के शरीर पर चोट के निशान थे, ये बड़ा दावा एक एशियन अखबार ने किया है और इसके बाद से सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर श्रीदेवी की मृत्यु कैसे हुई। हार्ट फेल हुआ, कार्डियक अरेस्ट जिसे बोला गया, या फिर वो शराब पीकर नशे में गिर गई, डूबने से उनकी मौत हुई। कई अहम सवाल अब इस रिपोर्ट में होंगे। लेकिन इस बीच इस खबर से ये बात जरूर हुई है कि उनको चोट लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने ऐसा कहा है इस अखबार ने। तो श्रीदेवी की सर में और शरीर पर चोटों के निशान हैं, ये बात भी सामने आई है।